दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए। एक्चुअली सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें सोच रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं करवा सकता हूँ गाड़ी में। मैं सोच रहा हूँ ये मिरर को चेंज करवा के यहाँ पे एक बार एंड मिरर्स लगवाए जाएँ, और जो नंबर प्लेट है फ्रंट की नंबर प्लेट, इसका एक मडगार्ड पे होल्डर आता है एक लोहे का, सो उस पर ये नंबर प्लेट वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, सो गाड़ी का लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाता है उससे। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई बार एंड मिरर्स। ऑल्दो ये जो मिरर्स ये वाले हैं जो कंपनी फिटेड होते हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, बट सिटी में यूज़ करने के लिए मुझे लग रहा है कि वो मैं लगवा दूँ जिससे कि लुक तो अच्छी हो जाएगी, बट विजिबिलिटी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं आती है। सो अगर आप लोग सिटी में यूज़ कर रहे हैं तो वो मिरर लगवाइए, अदरवाइज़ ये मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं। और तीसरी चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ये हटवा दूँ, लेकिन ये सर्विस सेंटर जब गाड़ी जाएगी तो ही मैं हटवाऊँगा इसको। और इसका जो रियर मडगार्ड है ये दो पार्ट्स में है, तो अगर मैं ये वाला पार्ट इसका निकाल दूँ तो ये चीज़ निकल जाएगी और गाड़ी का लुक जो है पीछे से काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से मेरे घर में, तो ये बाहर के स्ट्रीट डॉग्स हैं जो घर में मेरे अंदर पड़े रहते हैं गर्मियों में, इसको गर्मी काफ़ी लग रही है। ए बेटा हाय बोल दो। ये एक ये हैं, सो चलते हैं और मिलते हैं आपको मोटो व्लॉग के सेटअप के साथ। गर्मियों में सबसे बड़ा नाटक ये है कि मोटो व्लॉगिंग तो छोड़ो करना क्या यही नहीं समझ में आता है। अच्छा। भाई इतनी गर्मी, मतलब सीन ये रहता है कि अगर तुम सोचो कि दिन में निकलते हैं है ना, कि चलो दिन में एक वीडियो शूट करने के निकलते हैं, तो गर्मी इतनी होती है कि हिम्मत नहीं होती है। तुम हेलमेट के अंदर गर्मी में पगला जाओ, कहीं ट्रैफिक में फंस जाओ, जब तक गाड़ी चलती रहती तब तक तो कोई नहीं है। और उसके बाद अगर सोचो कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो फिर निकले, 4-5 बजे का तो हल्का सा अंधेरा ना, लाइट नहीं रह जाती उतनी, तो क्वालिटी नहीं, मतलब अलग ही सीन चलता है गर्मियों में। तो मैं तो सोच रहा हूँ लद्दाख लद्दाख निकल जाऊँ, 2-4 वीडियो बना लूँ जाके। हैं अच्छा क्यों, कैसा रहा मेरा आइडिया? आइडिया तुम्हारा बड़ा एक्सपेंसिव है। सो अभी हम लोग मार्केट तो आ चुके हैं जहाँ पे बाइक के सामान और पार्ट्स वगैरह मिलते हैं। ये कह रहे हैं भाई इसका एक नंबर प्लेट लगाने वाला आगे मडगार्ड के ऊपर आता है एक लोहे का, वो मिल जाएगा। और बार एंड मिरर्स, यहाँ पे मिरर जो इस पर लगते हैं, हाँ वो भी मिल जाएंगे। तो करवाओ, प्राइस राइज बताओ। अभी पता करवाता हूँ वही चीज़ ना। और बढ़िया क्वालिटी में और कुछ? अच्छा उठाना ज़रा वो, अरे ये तो बहुत है, तो सेम ही है। खुद के पास है कि कहीं और चलाओगे यार, महंगा ना देना कि पता चले बगल वाली दुकान से ला रहे हो तो। अरे नेट पे तो महंगा मिलता ही 100-200 रुपये, तभी तो यहाँ आते हैं, वरना फिर नेट ही से ना मंगा लें। दोस्त ये पुरानी वाली का है, ये नई वाली का नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर आएगा दोनों साइड का। वो नई वाली बताना, BS6 का। अरे हजार लगा इसमें? हजार नहीं लगा है, ना लगवाना है। एक आता है बिना वायर कट के लग जाता है, वो भी है। फ्लैश एक्स का ना, वो भी है। वो कितने का पड़ेगा? वो लमसम होगा इसके डोमिनार का होगा तकरीबन 1600-1500 रुपए के आसपास। अच्छा वो गारंटी में मिलेगा ना, मसला ये भी साल भर की इसकी वारंटी। हाँ यही है, यही लगेगा। हाँ हाँ ठीक, लगाओ ज़रा। कहाँ रुकेगा जाके, रोको ज़रा, लगा के रोको, कहाँ लगेगा? इधर के दो हैं, उधर का एक है।
हाँ ठीक है ये पैसे 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 इसे बता दो भैया 450 रुपये का लगवाइए बताएंगे 450 का है तो दोस्त महंगा बता रहे हो बताइए 369 डिलीवरी फ्री रहती है लास्ट बताइए कितना है एक बार बगल में पता कर लें कितने का है ना डोमिनार का ऊपर नंबर प्लेट लगाने वाला मडगार्ड के ऊपर वाला लोहा जो होता है अरे तो यहाँ यहीं से लेके आया है तो 400 रुपए का बता रहा है भाई लगवाई तो आपको थोड़े दिन दो लग जाएगा क्या लगवाई समेत लगवाई समेत तो लगा दो हाँ वहीं बगल में लगवा दो 350 लगवाई समेत हम रुकने वाले पहले यहीं थे लेकिन वो रोक लिया भाई तो हमने कहा हाँ हमने कहा भैया बार एंड मिरर दिखा दीजिए डोमिनार में लगना है वो जो हैंडल में लगते हैं उसकी क्वालिटी दिखा दीजिए और क्या प्राइस पड़ेंगे ये वो वाला दिखा दीजिए इसमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी भी है और एक मोबाइल वाला वो लगवा देते हैं आए ही हैं तो आए हैं तो वो भी लगवा दें स्विगी जोमेटो भी कर ली कर ही लेंगे बनाना है ही है ये भी निकाल दीजिए नट इस पे वैसे ही लगा दीजिए सब चीज़ें पन्नी दे दीजिएगा हमको सब डाल दें पन्नी मोबाइल होल्डर भी देख ले यार वो मोबाइल होल्डर तो भाई माल होगा कौन कहाँ लगाना आपको उसी पे लगाना वो तो जगह दिया तो है ये दोनों साइड से हो जाएगा ना फोन ऐसे और ऐसे सामने चलो लगाओ पहले ये क्वालिटी सही है और अच्छे में भी है भाई सबसे अच्छे में यही है बस आगे तो बाहर हैं केकड़े वाले इतना अपना आराम कर सकते हैं ना हाँ खोल दे बाकी केकड़े में केकड़ा ढीला होगा पूरे लोहा ही लोहा है फोन नहीं है सही रहेगा हाँ भाई ये आपका लॉक हो गया घर जा हाँ ठीक है गिरेगा नहीं कोई ठीक है ये सब रबर रबर है साथ में अच्छा ये उसी की हैं जो खांचे लगे हैं उसी के लिए रबड़ है कैसे रैली निकाल लो शराफत से निकाल लो और क्या काम करवाना था अच्छा ये नीचे लगान निकालना था तो घर पे निकाल लेंगे तो अभी ये मोबाइल होल्डर और आगे एक नंबर प्लेट होल्डर दोनों लग चुका है अब कहीं रुक के आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसका शिकंजी यहीं पी जाए कहीं और पी जाए शिकंजी पीते हैं कहीं यहाँ लेकिन नहीं पियेंगे कहीं रुक के पियेंगे द नेक्स्ट डे डे टू और कल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने गाड़ी में थोड़े से काम करवाए थे
बट कल मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई थी जिस कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया वीडियो को। सो आज बाकी का वीडियो मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने कल गाड़ी में एक मोबाइल होल्डर और जो फ्रंट मडगार्ड पे नंबर प्लेट होल्डर होता है वो लगवाया, और उसके आगे की चीज़ें एक मुझे बार एंड मिरर का सेट भी लगवाना था, बट वो किसी कारण मिल नहीं पाया क्योंकि क्वालिटी सही नहीं थी। वो 200-300 रुपए वाले मिल रहे थे जो कि मेरे हिसाब से वर्थ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं इजिली। सो मैं थोड़ा सा क्वालिटी देख रहा था कि अगर उसमें कुछ क्वालिटी अच्छी से मिल जाती, बट वैसा हुआ नहीं, मुझे मिल नहीं पाए वो। सो वो मैंने सोचा है कि मैं बैंडिडो पिट्स शॉप या कहीं और ऑनलाइन देखता हूँ, अगर कोई अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं तो मैं वो लेके तब अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करूँगा। सो मैं अभी आप लोगों को एक बार फाइनल लुक दिखा देता हूँ कि गाड़ी में फ्रंट मडगार्ड पे नंबर प्लेट होल्डर लगने के बाद कैसा लग रहा है। सो ये चीज़ मैंने एक इंस्टॉल करवाई है, और सेकंड चीज़ ये एक मोबाइल होल्डर जो कि काफ़ी सही है। सो जो मुझे कॉस्टिंग आई है इन दोनों चीज़ों की, ये लगभग 350 रुपीज़ का था, 400 रुपीज़ का विद इंस्टॉलेशन चार्ज किया, और ये 260 रुपीज़ था, 40 रुपीज़ इसके लिए उसने, सो 300 इसके हो गए, सो 700 में ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हुई। गाड़ी का ये पीछे मडगार्ड का ये पार्ट भी निकल चुका है, आप देख सकते हैं पीछे का फाइनल लुक। जिन लोगों को अगर इसको अपनी गाड़ी से रिमूव करना है तो उनको मैं बता देता हूँ, सिर्फ आपको ये और तीन ये नट खोल लेने हैं, उसके बाद ये इजीली रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद वापस से आप इसको घस दीजिए। सो बट बारिश के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इससे, क्योंकि छींटे पीछे की ओर उड़ के सीट तक जा सकते हैं, ये तो बारिश के ही मौसम में पता चल पाएगा। लेकिन अभी के लिए फाइनल लुक आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। बस इतना ही है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।